स्वागत है दोस्तों आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। लीजिए आपके सामने आज है बहुत ही छोटा बट पावरफुल एम्पलीफायर ड्राइवर सर्किट बोर्ड। ये दिखने में जरूर छोटा है लेकिन इसका आउटपुट पावर आपको 200 वाट तक इजीली मिल जाएगा। बट इसे आप पावर सप्लाई कम करके 50 वाट का भी आउटपुट पावर ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके कनेक्शन कैसे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको निगेटिव दिखाई दे रहा है, ये निगेटिव सप्लाई है जो कि 1943 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे जाएगी और ये निगेटिव बेस भी उसी ट्रांजिस्टर के बेस पर जाएगा। और ये फीडबैक लिखा हुआ है, फीडबैक यानी कि 2SC5200 और 1943 ये दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर से जो वायर आएगा जो स्पीकर को जाता है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। उसके बगल में प्लस बी यानी कि 2SC5200 इस ट्रांजिस्टर के बेस पर जाएगा और पॉजिटिव सप्लाई वो है। और यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस है जिसके सामने स्टार मार्क है, ये एक्चुअली गेन का रेजिस्टेंस है। इस सर्किट में रिकमेंडेशन है इस रेजिस्टेंस का 56K, लेकिन मुझे इस सर्किट से ज़्यादा गेन चाहिए क्योंकि मैं इसमें बेस ट्रबल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर इसे 100K का लगाया है। अगर आपको गेन कम चाहिए तो आप 56K लगा सकते हैं। ये GND कनेक्शंस हैं और यहाँ निगेटिव पॉजिटिव जो कि ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर जाएंगे, यहाँ इनपुट और ये इनपुट कैपेसिटर आपके सामने 1UF का आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके साथ में आप बीच में एक बड़ा ट्रांजिस्टर देख रहे हैं TO220 पैकेज का, ये TIP42C है। ये एक्चुअली ये बायसिंग वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए है। हमारा बायसिंग वोल्टेज स्ट्रांग और फुल करंट के साथ ट्रांजिस्टर के बेस पर सिग्नल जाना चाहिए, इसके लिए मैंने TIP42 यूज़ किया है। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं फ्यूज़ के पास में जहाँ ब्लू कलर की वायर है वहाँ हमें सप्लाई देना है और ये सप्लाई जो है फ्यूज़ के बाद में मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर जाएगी। और ये फ्यूज़ की कैपेसिटी 4 एम्पियर है। ये फ्यूज़ लगाने का फ़ायदा ये है कि मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर फेल अगर हो जाए तो ये फ्यूज़ उड़ जाएगा और प्रोटेक्ट का काम करेगा। देखिए यहाँ माइनस और प्लस कहाँ देना है ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो इस सर्किट को अब हम वायर अप करते हैं, इसकी वायरिंग करते हैं मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर के साथ में। तो बने रहिए साथ में और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो चलिए लेट्स स्टार्ट वायरिंग। दोस्तों इसकी वायरिंग बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसकी वायरिंग दिखाऊंगा और ये आपको देखने में बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। और हम इस ड्राइवर बोर्ड से 200 वाट का मैंने आउटपुट पावर क्लेम किया है, मैं आपको इससे 200 वाट का आउटपुट पावर लेकर भी दिखाऊंगा। तो बने रहिए साथ में और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों मैं यहाँ पर 200 वाट का मोनो सर्किट बना रहा हूँ, इसीलिए 5200 के दो ट्रांजिस्टर है और 1943 के दो ट्रांजिस्टर हैं। तो देखिए इन दोनों के बेस को मैं आपस में जोड़ दे रहा हूँ, तो ये जोड़ दिया है और कलेक्टर भी इसी प्रकार से मैंने जोड़ दिए हैं। तो और जो एमीटर है उस पर मैंने ये 5 वाट 0.47 ओम की रेजिस्टेंस लगाकर सभी टर्मिनल को जोड़ दिए है जो कि स्पीकर आउटपुट होगा हमारा। तो देखिए 1943 पे निगेटिव सप्लाई आएगी कलेक्टर पर, इसलिए यहाँ पर मैंने ब्लैक रंग की तार का यूज़ किया है ताकि समझने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। अब इसके बाद हमारा बेस से जो 5200 ट्रांजिस्टर है उसके कलेक्टर से एक वायर निकलेगी जो कि पॉजिटिव सप्लाई पे जाएगी, ठीक वैसे ही बेस से एक वायर निकलेगी जो प्लस बी पर जाएगी।
सेम पैटर्न वही 1943 में, कलेक्टर से एक वायर निकलेगी जो कि निगेटिव सप्लाई पर जाएगी, और कलेक्टर के बाद जो बेस पिन है उससे भी एक वायर निकलेगी जो माइनस बी पर जाएगी, और फीडबैक का जो तार है वो एमीटर रेजिस्टेंस के बाद से जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये कनेक्शन कर लेता हूँ, और हर एक कनेक्शन के वायर के ऊपर मैं एक स्पेशल मार्किंग टैग लगाता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए वो टैग मैं इसमें लगा दिया है। देखिए प्लस बी लिखा है, यानी कि ये बेस से आ रही है, प्लस यानी कि प्लस सप्लाई जाएगी हमारे 5200 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे, इसीलिए उस पर प्लस लिखा है। और देखिए माइनस सप्लाई 1943 के कलेक्टर पे जाएगी, और ये 1943 का माइनस वाला बेस है, और ये फीडबैक जो है स्पीकर आउटपुट जहाँ से हमें मिल रहा है वहाँ पर से इसे लिया है। तो अब ये ड्राइवर बोर्ड में जैसा मार्किंग है मैं वैसे वैसे कनेक्शन इस मार्किंग के हिसाब से कर देता हूँ, और जिससे हमारे ये कनेक्शन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर के साथ इस ड्राइवर बोर्ड के कनेक्शन अब पूरे हो चुके हैं। अब इस ड्राइवर बोर्ड को हमें पावर सप्लाई से कनेक्ट करना है। तो देखिए ये फ्यूज़ के इस ओर हमें निगेटिव देना है, और ये निगेटिव सप्लाई जो है फ्यूज़ के बाद में मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर जाएगी, जिससे कि अगर कोई शॉर्ट सर्किट स्पीकर साइड में होता है तो ये फ्यूज़ उड़ के सर्किट को प्रोटेक्ट करेगा। और यहाँ पर देखिए यूज़ माइका शीट बिहाइंड ट्रांजिस्टर, ये जो हीट सिंक पर ट्रांजिस्टर लगे हैं उनके पीछे माइका शीट लगा के इंसुलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पॉजिटिव सप्लाई ये सोल्ड कर दिया है ये येलो वायर के थ्रू, जो कि फ्यूज़ के जरिए पॉजिटिव जाएगा ट्रांजिस्टर को, और ये निगेटिव सप्लाई यहाँ पर सोल्ड कर दिया है। इसके बाद एक कनेक्शन रह जाता है GND कनेक्शन, जो कि एक स्पीकर को कॉमन रहेगा, तो यहाँ पर मैं GND कनेक्शन कर देता हूँ। हमारा अब GND कनेक्शन भी हो गया है, पावर सप्लाई भी कंप्लीट हो गया है, और रह जाता है इनपुट सिग्नल देना। तो इनपुट सिग्नल देने के लिए यहाँ इनपुट कैपेसिटर के पास मैं ये वायर सोल्ड कर दिया हूँ, और इस सिग्नल को हम जो है ब्लूटूथ मॉड्यूल से इस सर्किट के अंदर हम सिग्नल फीड करेंगे, जिससे हमें इसका आउटपुट कैसा है, साउंड क्वालिटी कैसा है, वो सब पता चल जाएगा। तो ये रहा इनपुट कैपेसिटर का पॉइंट, और मैंने कर दिया है सोल्ड। तो अब ये सर्किट दोस्तों पावर अप करने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ मैं टेस्ट करूँगा लोड रेजिस्टेंस के थ्रू। दोस्तों यहाँ मैंने पूरा सेटअप टेस्टिंग पर्पज़ के लिए लगा रखा है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा पावर ट्रांसफार्मर है, जो कि पावर सप्लाई फीड करेगा। यहाँ पर ये DC कन्वर्ट हो के हमारे इस बोर्ड को जाएगा, और ये बोर्ड जो है इस पावर ट्रांजिस्टर को ड्राइव करके हमें स्पीकर आउटपुट यहाँ से मिल रहा है, और ये स्पीकर आउटपुट हमारा इस लोड रेजिस्टेंस पे जाएगा। ये लोड रेजिस्टेंस के साथ एक वायर मैंने स्पीकर पे लगा रखा है, दूसरा वायर ओपन रखा है। अगर इस लोड रेजिस्टेंस पे मैं जितना नज़दीक इस कॉइल के ये दोनों तार के बीच जितना नज़दीक रखूँगा मुझे साउंड आउटपुट कम मिलेगा, और जैसे जैसे मैं स्पीकर का ये वायर इस ओर लेके जाऊँगा तो मुझे आउटपुट ज़्यादा मिलने लगेगा। तो यहाँ पर मैं इसे टेस्टिंग पर्पस के लिए रखता हूँ, हम इसे आउटपुट चेक करते जाएंगे। ये हीटिंग एलिमेंट लोड का काम करेगा, जो कि स्पीकर लोड का काम करेगा, और इसमें सप्लाई जाती है ये रेड हॉट हो जाएगा। और ऑपरेट करने के लिए हमने यहाँ पर ब्लूटूथ कार्ड लगा रखा है, ब्लूटूथ कार्ड कनेक्ट है हमारा ये टैब से। लीजिए दोस्तों मैं सॉन्ग प्ले करता हूँ ये टैब से,
अब ये सॉन्ग हमारा प्ले होना शुरू हुआ, मैं यहाँ स्पीकर लगा देता हूँ। अभी दोस्तों साउंड तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है क्योंकि मैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा आउटपुट मैंने ओपन नहीं किया है, लेकिन अब मैं आउटपुट ओपन करता हूँ और ये स्पीकर वायर मैं इस ओर लगाऊंगा तो मुझे साउंड भी कम होगा लेकिन एम्पलीफायर फुल लोड पर रहेगा। तो ये हमने फुल आउटपुट ओपन कर दिया है, यहाँ वॉल्यूम कंट्रोल से ये फुल आउटपुट ओपन हो गया है। अब ये स्पीकर वायर यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ तो जैसे जैसे हम ये तार भी जलने लग गया है, साउंड आउटपुट इतना ज़्यादा है कि अगर लगातार मैं ये स्पीकर कनेक्ट कर दूंगा तो ये जल जाएगा, तो मैं इसे और रखता हूँ। दोस्तों स्पीकर की तार भी जल गई। अच्छा ये हमारा ये सोल्डिंग भी निकल गया, एक्चुअली ये सोल्डिंग भी निकल गया, इतना हीट हो चुका है ये। इसको दोबारा मैंने रीसोल्ड कर दिया है, एक बार फिर से सॉन्ग प्ले करते हैं। ये सॉन्ग मैं दोबारा प्ले करता हूँ यहाँ से। अब ये सॉन्ग प्ले होना शुरू हो गया है, ये देखिए रेड हॉट होना शुरू हुआ स्पीकर। तो दोस्तों आपका ये टेस्टिंग का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। और एक बात ये है कि मैं ये बोर्ड अब सेल करने जा रहा हूँ, तो आपको भी अगर ये बोर्ड चाहिए तो आप मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सअप लिंक में, आपको व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सअप करिए, आपको ये बोर्ड बहुत ही कम रेट में मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।